तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन, वीवीएफ फंक्शन। हमने आपको जो माइक्रो स्टार्ट की थी तब हमने बताया था कि हम एक्सेल को तीन पार्ट में कवर कर, तीन पार्ट में तीन प्रोडक्ट है या तीन चीजें बनाते हैं वीवीएफ से। पहला था माइक्रो, जिसमें हमने माइक्रोज और इवेंट माइक्रोज के बारे में अभी तक पढ़ा है। दूसरा पार्ट हमारा आता है फंक्शन, मतलब कि एक्सेल में खुद के फॉर्मूले क्रिएट करना। एक्सेल में आप अपने लिए खुद के फॉर्मूले कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें जानेंगे कि हमें फंक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हम दो चीजों के लिए करते हैं। पहला, हमारा एक्सेल में अप्लाई करने के लिए। दूसरा, हम वीवीए में अप्लाई करते हैं। वीवीए में क्यों अप्लाई करते हैं? तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है जो कई सारी जगहों पे करनी होती है। तो उस तरह की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो दिक्कत क्या होती है हमारे साथ कि उस तरह की कैलकुलेशन के लिए हमें बार बार कोड लिखने पड़ते हैं, उसको हम फंक्शन में डाल के कई जगहों पर अप्लाई करते हैं। ये पार्ट हम आपको बाद में कराएंगे, पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल में जो कैलकुलेशन अवेलेबल है, एक्सेल में जो कैलकुलेशन हमारा अवेलेबल है, उसके अलावा अगर कोई हमारे पास काम आता है तो कैसे हम फंक्शन को, किस तरह से फंक्शन को हम बनाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको हम। जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो मेरे पास दो तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास इज ऑड का, जो कि बताता है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ऑड नंबर है या नहीं है। दूसरा होता है इज इवन, इवन नंबर बताता है। अब मुझे यहां पे इज प्राइम नंबर पता करना है। इज प्राइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, ऐसा नंबर जो खुद से या वन से डिवाइड हो, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 23, ऐसे नंबर तो है या नहीं, रिजल्ट हमें चाहिए। अब इसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। अब फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है लेकिन मुझे तो करनी है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहां हम इज प्राइम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, डेवलपर में आते हैं और इवन मैं देख लेता हूं कौन सी फाइल है हमारे पास, मैंने ओपन कर रखी है। और यहां हम बुक थ्री के रूल्स में इंसर्ट करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट से हम माइक्रो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन के तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डिक्लेरेशन। तो हमें यहाँ पे फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया, उसके बाद उसके अंदर होता है कि किस तरीके से इसकी इनपुट क्या होगा। तो हमने बोल दिया कि n एज ए लॉन्ग, नंबर एज ए लॉन्ग, मतलब कि बाहर आप देखेंगे तो इज प्राइम नाम का फॉर्मूला अब यहां आपको दिख जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर हम एक इनपुट, सिर्फ नंबर की इनपुट करेंगे। फाइल पहले से ओपन थे, बट एक मिनट दीजिए। एक्सेल को रीओपन करना पड़ेगा।
चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। अब डेवलपर में आते हैं, यूजर बेसिक फंक्शंस रूल्स में। हमने यहाँ पे दिया फंक्शन, फंक्शन नाम दिया इज प्राइम, ब्रैकेट ओपन एंड एज ए नाउन। क्योंकि जब फॉर्मूला आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इज ऑड ही लगाया या इज इवन लगाया, तो इसमें नंबर देना होता है। तो ये डिसाइड है कि इनपुट इसमें वन देना है या इफ फॉर्मूले लगाते हैं, तो इफ फॉर्मूले में डिसाइड है कि इनपुट तीन देना है। उसी तरीके से यहाँ इज प्राइम में या जो भी फंक्शन क्रिएट करेंगे, आपको बताना होगा कि कितने इनपुट है। तो इसमें जो इनपुट डाला, इसमें एक इनपुट है। अब बी वन की वैल्यू एन पे स्टोर। यहाँ पे अब बात आती है, पहला काम ने बात कर ली। हमने पहला क्या बात किया, हमने बोला असाइनमेंट, सॉरी डिक्लेरेशन, हमने फॉर्मूला डिक्लेयर कर लिया। अब बात करते हैं कैलकुलेशन, जो जरूरत है उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला को डिक्लेयर किया। 4i = चले 2 से n-1, और कंडीशन होगा कि एफ एन मोर आई इक्वल टू जीरो, देन आर इक्वल टू फॉल्स। और यहां पे आर इक्वल टू फॉल्स, और यही पे हो जाएगा एग्जिट फंक्शन। अब एग्जिट फंक्शन कर रहे हैं तो r इक्वल टू जीरो नहीं, यहाँ पे मुझे करना होगा, यहाँ पे इसकी प्राइम की रिटर्न टाइप डिफाइन कर लेता हूँ। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बट मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स। अभी r को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा एग्जिट। और यहाँ पे एंड इफ, और नेक्स्ट। अब यहां पे चीज को देखिए, अब लास्ट में हम देंगे इज प्राइम इक्वल टू टू। यहाँ पे सिंपल हमने बोला कि जो नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने 85 दिया, तो ये 2 से लेके 84 तक हर नंबर से 85 को डिवाइड करेगा, उसका मोड मतलब उसका रिमाइंडर निकाल के देगा। अगर उसका रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब है कि डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे इच प्राइम का रिजल्ट हमने फॉल्स कर दिया, और फंक्शन को यहीं पे क्लोज कर दिया। अगर ये इस लूप चल रहा है, लास्ट में यहां तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि इसको कहीं भी जीरो मोड जो है जीरो नहीं मिला है, मतलब कि प्राइम नंबर है। तो यहां पे हमारी हो गई डिक्लेरेशन, यहां हो गया कैलकुलेशंस, और ये हो गया असाइनमेंट कि हमारा फॉर्मूला नेम के ऊपर आपने अपने रिजल्ट को असाइन कर दिया। यहां देखिए प्राइम का फॉर्मूला लगेगा, और यहां पे फॉल्स आया, नीचे तक भी आएगा। सब में फॉल्स आ रहा है, 13 डालता हूं ट्रू है, 23 डालता हूं ट्रू। तो फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे अप्लाई करते हैं ये भी समझ में आ गया। यस सर।
बात आती है इसकी प्रैक्टिस के ऊपर, तो हम आपको फंक्शन की कुछ वीडियो जो है आपको भेज रहे हैं, ठीक है? उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आगे की चीजें के बारे में हम बात करेंगे, तो ठीक रहेगा, क्योंकि हर इंपोर्टेंट चीज के लिए पहले प्रिपरेशन करना होता है, और हमने अभी तक सारी प्रिपरेशन कराई भी है आपके साथ, तो हम आपको VBA फंक्शंस की कुछ वीडियोज आपको भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज देता हूं, ठीक है? ये आपको डेढ़ घंटे की वीडियो भेजी है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं भेजा है मैंने, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट या क्वेश्चन है आप लोगों के पास? अमित जी, अतीश जी, जीतू जी, अनेकता जी? नहीं सर। नो सर। तो मिलते हैं कल, लेकिन प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि कल की टॉपिक इसी पे डिपेंडेंट है। ओके सर। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।